Please subscribe to my channel Blushwork and press the bell icon and never miss any update. Hey everybody, welcome back to my channel. This is Barkha here aur aaj hum review karne wale hain ye Wet n Wild Photofocus compact powder ko. To agar aap janna chahte hain mere thoughts is compact powder ke bare mein, jo ki meri bahut high expectations thi isse kyunki ek Wet n Wild ka product hai aur Wet n Wild brand hame bahut pasand hai, bahut zyada pasand hai. तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये हमने ऑनलाइन बाय किया था. ऑनलाइन शेड चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पता नहीं चलता है कि मैच करेगा कि नहीं करेगा. तो हमने दो चार वीडियोस देखने के बाद ये वाला शेड बाय किया है, 10 बेज. और ये शेड पता नहीं, इसमें थोड़ी सी पिंक अंडरटोन है और हम जो मेरी अंडरटोन है वो येलो है. ये हमें डिफरेंट लगा जब हमने इसको परचेज किया. और इसकी पैकेजिंग इस तरह की है, बहुत ही क्यूट कॉम्पैक्ट लगता है ये और बहुत ही डोम फिनिश है, डोम शेप है इसका. ये आप ओपन करेंगे तो ये आपका कॉम्पैक्ट है. ये प्रेस्ड पाउडर है, बेक्ड है और बहुत ही क्यूट फिनिश है और बहुत ही हार्ड है इसका जो सरफेस है और ट्रांसपेरेंट है. प्लास्टिक बॉडी है इसकी और इसमें पीछे इसकी एमआरपी और इंग्रेडिएंट्स और सब कुछ है मेंशन. जो इसकी एमआरपी है वो 499 रुपीज़ है, बट आपको ये कभी डिस्काउंट में भी मिल सकता है, ऑनलाइन डिस्काउंट्स चलते रहते हैं. और 499 रुपीज़ में इस प्रोडक्ट ने हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर किया है क्योंकि जैसा हमने अपने पहले वीडियोस में बोला हुआ है कि हमको अपने कॉम्पैक्ट्स में, अपनी आई शेडो पैलेट्स में मिरर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट होते हैं कि आप अब जब अगर आप अपना कॉम्पैक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पास स्पंज हो और आप अपने कॉम्पैक्ट को उस पर लें और अपने ही कॉम्पैक्ट के मिरर में उसको देखते हुए अप्लाई कर लें, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि आप पाउडर कहीं से ले रहे हैं और आप देख कहीं और रहें, या तो आपके सामने मिरर हो, आप अपने ड्रेसर के सामने खड़े हो तो बात अलग है. लेकिन अगर आपके सामने मिरर नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपके कॉम्पैक्ट में ही मिरर हो ताकि आप उसी से देख के और इस तरीके से अप्लाई कर सकें, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता है और कोई भी एप्लीकेटर नहीं मिलता है, कोई स्पंज एप्लीकेटर नहीं मिलता है. मतलब मेरे जितने भी कॉम्पैक्ट्स हैं ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि स्पंज एप्लीकेटर ना मिले किसी भी कॉम्पैक्ट में. मिरर तो दूर की बात है, इसमें एप्लीकेटर तक नहीं है, आपको एक अलग से एप्लीकेटर बाय करना पड़ेगा, एक अलग से मिरर रखना पड़ेगा, तब आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं. इनफैक्ट मेरे जितने भी कॉम्पैक्ट्स हैं और इनफैक्ट मेरा मैक का स्टूडियो फिक्स ड्यूब कॉम्पैक्ट है वो इस टाइम मेरे पास है नहीं, फिनिश हो गया है, वो इतनी गुड क्वालिटी के मिरर और स्पंज एप्लीकेटर के साथ आता है. और ये 499 रुपीज़ और उसका जो प्राइस है वो 120 है, 120 130 ऐसे ही वेरी करता है. और ये 499 रुपीज़ में आपको ना ही मिरर दे रहा है ना ही स्पंज एप्लीकेटर दे रहा है. ऐसा क्यों किया वेट एंड वाइल्ड ने आई डोंट नो, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि एप्लीकेटर तो आपको मिलना ही चाहिए. अब कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम अपने वीडियोस शूट कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कन्वीनियंट ज़्यादा हमें ये लगता है कि जब हम अपना पाउडर अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके से ऐसे देखते हुए करें अपने मिरर में. बट इसको अप्लाई करने के लिए हमें इसको नीचे रखना है, अपने दूसरे कॉम्पैक्ट को ओपन करना है, उसमें देखना है और इसको ऐसे नीचे से अप्लाई करना है. तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है. तो अभी भी हम दो कॉम्पैक्ट को लेके बैठे हैं, एक मिरर के लिए और एक एप्लीकेशन के लिए. तो ये थोड़ा सा इसने थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट किया है इन दोनों चीज़ों को लेके कि ना ही एप्लीकेटर है ना ही मिरर है. और जो थर्ड डिसअपॉइंटिंग बात है इसकी वो ये है कि ये जो पाउडर है ये आपके, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके फिंगर पे बहुत अच्छे से आएगा,
बहुत आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पिगमेंटेशन आ गया है और सब कुछ हो गया है, लेकिन जब आप इसको अपने स्पंज पे लेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, वेट लेट मी शो यू, स्पंज में, जब स्पंज में इसको ऐसे लेंगे और हम बहुत ही फोर्स, बहुत ही प्रेशर के साथ इसको ले रहे हैं, तो देखिए ये इस पे आया है, बहुत ज़्यादा नहीं आया है लेकिन ठीक ठाक आया है। और जब आप इसको अप्लाई करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पता चलता है। और ये हम इसको यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1 month से। हमने कहीं पे देखा था जब इसकी जो ऊपर की फर्स्ट लेयर है वो जब निकल जाएगी तो ये अच्छे से अप्लाई होगा आपके फेस पे, बट 1 महीने से इसको यूज़ कर रहे हैं और अभी भी ये उतने अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा। बहुत ही शेयर कवरेज देता है, बहुत ही शेयर पिगमेंटेशन देता है ये, इतने हार्शली और इतने ज़्यादा हार्ड एप्लीकेशन के बाद भी इसका जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है। इनफैक्ट ये मेरा लैक्मे का कॉम्पैक्ट है, और इसको आप हल्के से एक बार लें और आप देख सकते हैं। और ये देखिए इसका पिगमेंटेशन देखिए गाइस, और इन दोनों के प्राइस में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये कॉम्पैक्ट हम लोग के सबके पास हुआ करता था जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था। अगर आप 500 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो, हमने तो ये स्पंज एप्लीकेटर को लेके इसमें ही रख लिया है, एंड लकीली ये इसमें फिट हो गया है, तो एटलीस्ट एक चीज़ तो अच्छी हुई कि बार बार कहीं और से निकालना नहीं पड़ेगा, बट मिरर फिर भी लेना पड़ेगा। इसकी जो अंडरटोन है वो स्लाइटली पिंक है, और आई डोंट नो व्हाई, बट अब ये मेरे ही साथ जो हमने शेड लिए हैं उन्हीं के साथ ऐसा है, या फिर ये पूरी रेंज में ही ऐसा है, क्योंकि जो मेरा वेट एंड वाइल्ड का फोटोफोकस फाउंडेशन है डेजर्ट बेज, उसकी भी स्लाइटली पिंक अंडरटोन है, लेकिन वो इतना पिंक नहीं लगता है मेरे फेस पे। और इसकी भी स्लाइटली पिंक अंडरटोन है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा पिंक लगता है, और ये मेरा शेड नहीं है, इससे एक शेड डार्कर मेरा शेड होगा, लेकिन वो बाय करने का अब मेरा मन नहीं है, क्योंकि हमने जैसी इसकी परफॉर्मेंस देखी है 500 रुपीज़ में बहुत अच्छे कॉम्पैक्ट्स आपको मिल सकते हैं, इनफैक्ट उससे कम रेंज में आपको बहुत अच्छे कॉम्पैक्ट्स मिल सकते हैं। और 500-600 में तो रेवलॉन कलर्स से, और पैक में 9 to 5 जो कि मेरे दोनों बहुत ही मोस्ट फेवरेट हैं, रेवलॉन कलर्स से थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली, वो 800 का है, और लैक में 9 to 5 आई थिंक 500-600 में है, वो बहुत ही मेरे फेवरेट हैं, फुल कवरेज कॉम्पैक्ट्स हैं। अगर आप 500 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हम वो बाय करेंगे, ये हम बाय क्यों करेंगे जो इतना शेयर कवरेज देता है और इतना ना मिरर के साथ आता है ना एप्लीकेटर के साथ आता है, तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट वेस्ट है, और हम इसको दोबारा बाय नहीं करेंगे, रीपरचेज नहीं करेंगे। और रीपरचेज तो दूर की बात है, ये अभी मेरा न्यू है, जस्ट 1 month हुआ इसे लिए, और अब हम एक और कॉम्पैक्ट बाय करेंगे, क्योंकि ये उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है जितने अच्छे से हमें कॉम्पैक्ट्स जितने अच्छे से इसे काम करना चाहिए। और जैसा कि मेरा मैक कॉम्पैक्ट ख़त्म हो गया है, तो अब हम कोई और सा अच्छा फुल कवरेज या मीडियम कवरेज का कॉम्पैक्ट बाय करेंगे, शेयर कवरेज का कॉम्पैक्ट हमें नहीं अच्छे लगते हैं, और वो भी इतने ज़्यादा कॉस्टली। तो ये फर्स्ट टाइम है कि वेट एंड वाइल्ड ने हमें इतना डिसअपॉइंट किया है, वरना ये ब्रांड हमें बहुत पसंद है। सबसे अच्छी बात इस ब्रांड की ये है कि ये क्रूल्टी फ्री है, ये एनिमल्स पे टेस्ट नहीं करते हैं, तो ये एक इतना बड़ा रीज़न है कि हम सब कुछ इस ब्रांड का बाय करना चाहते हैं। और हमने इस पे एक 1 brand ट्यूटोरियल भी किया है, सब कुछ इसी ब्रांड से परचेज किया है, और उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट करें। और उस वीडियो में जितने भी हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं हमें सब बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, और सिवाय इस एक कॉम्पैक्ट पाउडर के। और ये जो ब्रांड है ये ड्रग स्टोर ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ड्रग स्टोर ब्रांड है, बट ये अफोर्डेबल नहीं है, 400, 500, 600 यही इसकी रेंज है, इसके फाउंडेशन की, कॉम्पैक्ट की, और इसकी लिपस्टिक्स जो हैं 300 की हैं, 400 की हैं, तो अफोर्डेबल तो नहीं है ये ब्रांड, लेकिन क्रूल्टी फ्री है। और अगर आप किसी अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो
I would highly recommend this brand to you guys, but I wouldn't recommend this compact powder to you. क्योंकि इसने हमको बहुत disappoint किया है and I don't want कि आप अपना hard earned money इस तरह से waste करें. ये completely मेरा personal point of view है. हो सकता है आपको ये अच्छा लगे, अगर आप chance लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर try करें, हम मना नहीं करेंगे. But हमको personally इस compact ने impress नहीं किया है, क्योंकि जो जो बातें हमें अपने compact powders में चाहिए होती हैं इसमें वो एक भी नहीं है. ना ही ये full coverage है, ना ही ये मीडियम कवरेज है, ना ही इसमें मिरर है, ना ही इसमें एप्लीकेटर है. और इसको ले निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है. आप अपने स्पंज को बहुत ज़ोर से डैप करेंगे तब ये निकलेगा, और बहुत ही हल्का सा आके आपके फेस पे ये अप्लाई होगा, जैसा अभी हमने आपको शो किया. अगर आपने इसको ऑलरेडी बाय कर लिया हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके. और हम इसको रीपरचेज़ नहीं करेंगे. हमको ये प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा है. अगर ये 250 की रेंज में होता, 200-250 की रेंज में होता तो ये एक डिसेंट प्रोडक्ट होता. शीयर कवरेज देता है, स्मूथ है बहुत एप्लीकेशन में, और बहुत ही स्मूथ आपको फ़ील होगा, आपको बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा फेस पे. तो 200-250 के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट अच्छा होता, लेकिन 500 के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बिल्कुल वेस्ट है. मेरे 500 रुपये बर्बाद हो गए. तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो इसकी जगह कोई और प्रोडक्ट को ज़रूर बाय करिएगा. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस वेट एंड वाइल्ड फोटोफोकस कॉम्पैक्ट को लेके. हम आपसे मिलते हैं दोबारा अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.